अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, इट्स मंडे मॉर्निंग एंड राबिया एंड शाजिया आर बैक विद ड्रामा का। फरा हमारे साथ नहीं है, वो बिजी है, बट फरा इज देयर इन स्पिरिट बिकॉज राबिया फरा का लैपटॉप यूज कर रही है। हमारे पास तीन ड्रामे हैं आज, लोग क्या कहेंगे, सबार एंड मुश्क। सो वी विल प्रॉब्ली स्टार्ट विद लोग क्या कहेंगे, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल न्यूज है जिसके बारे में हम बात करेंगे, विच इज रिगार्डिंग रिहाना द सिंगर। रिहाना ने एक फैशन शो किया था एंड उसके अंदर उन्होंने एक हदीस इस्तेमाल करी थी फ्रॉम द प्रॉफिट, एंड वो एक्चुअली गाने के अंदर हदीस थी एंड पीपल आर अ लिटिल एंग्री, इनफैक्ट क्वाइट एंग्री अबाउट इट ऑन ट्विटर। उसके बारे में राबिया में गुफ्तगू करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, सो फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू से अबाउट इट एंड व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट इट। Yeah. Starting on, we will do drama का with लोग क्या कहेंगे। जी राबिया, मैं सवाल पूछूं आपसे? हाँ जी, स्टार्ट करें आप, आज बम्बार्डमेंट अच्छा सवालों की आप कर लें। जी आज मेरे पास पर्चा है सवालों का। वाह वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। पहला सवाल मेरा ये है कि जब उनके भाई उनसे मिलने आए थे, बड़े भाई, और आई कुड फील हिज पेन, उनका दुख जो था जब वो उस घर में आए, उन्होंने उनको पैसे दिए मीरा को, शुड मीरा एज अ यंगर सिस्टर हैव एक्सेप्टेड द मनी और शुड शी हैव सेड? एक तो उनका पेन बड़ी देर से जागा, वैसे मैं आपकी सवाल के पीछे ही जाते हुए बहुत ही देर से जागा, मतलब आई एंड टू आंसर क्वेश्चन आई थिंक शी शुड हैव एक्सेप्टेड इट। मुझे समझ नहीं आई कि उसने भाई से पैसे क्यों नहीं लिए, मतलब यू नो इस वक्त उसको पैसों की ज़रूरत भी है, मतलब ईगो और अना आप उस वक्त लेकर आए ना जहाँ पे होनी चाहिए, ये भाई दे रहा है, कोई इधर उधर से नहीं दे रहा, इस वक्त शी इज़ इन डायर नीड ऑफ मनी, तो शी शुड हैव एक्सेप्टेड इट। लेकिन मुझे ये जो उसकी जो सास है ना, उनका एटीट्यूड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उन्होंने मना कर दिया, बिकॉज फाइनली भाई इज़ टेकिंग द इनिशिएटिव, उसको बोल रहा है तुम इस्लामाबाद चलो और सब कुछ करो, एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है ना, पहले तो वो कुछ भी नहीं करने को तैयार था लेकिन अब कुछ तो कर रहा है, तो सासू माँ ने बिल्कुल मना कर दिया और मीरा भी खामोश रही, सो आई फाउंड इट अ बिट अनरियलिस्टिक एंड आई डोंट एग्री विद इट। Yeah, I think that was a very good option. I think शायद उसने मना किया हो भाभी की वजह से, because she was not liking the भाभी's attitude. अगर वो अलग से शायद फोन करके देती नहीं, I think मीरब is quite harmless. मीरब तो भाभी की कोई चीज़ को फील भी नहीं करती है. मीरब, I think मीरब is just doesn't want to take anything from her भाई. मीरब is that kind of person. So maybe he could have done it in kind. He could have said कि मैं तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फीस जाके भर रहा हूँ. दूसरी बात ये कि मीरा के मना करने के बावजूद उसके भाई को पैसे वहां रख के जाना चाहिए था कि ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम यूज करो नहीं करो, दिस इज व्हाट हिज हर ब्रदर मस्ट शुड हैव डन, दैट वाज अ मस्ट व्हिच आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। अरे तुम्हें नजर आ रहा है वो किस तरह की जगह पे रह रही है, तुम्हें नजर आ रहा है उसकी शक्ल से, हालात से, तुम पैसे देगे जाओ भी, उसने मना किया और तुम चुप करके निकल गए और फिर टीवी देख रहे हो रात को, मुझे तो काफी मुझे गुस्सा चढ़ रहा था देखकर। बट आई लाइक हिज रिएक्शन राबिया, जब उसने कहा कि मीरब की शादी कर देनी चाहिए, तो उसने कहा कि तुम क्या कह रही हो, अभी वो इस सदमे से तो नहीं वो संभली है और तुम कह रही हो शादी कर दो, तो शुक्र किसी ने किसी ड्रामे में ये तो बोला नहीं, लेकिन वो अंडर इन्फ्लुएंस आ गए क्योंकि उसके बाद उसकी बीवी ने जो दो जुमले बोले, लेकिन मीरब की शादी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि उसके बच्चे बिल्कुल रेडी नहीं है, दे नीड टाइम, इनफैक्ट मीरब की शादी करना उसको और मुसीबत में डालना होगा क्योंकि देन वो स्ट्रगल करी होगी नए मियाँ और बच्चे, और बच्चे तो इस वक्त बिल्कुल किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे, यू नो एक्सेप्ट साद अंकल को राबिया, नो आई थिंक इवन नॉट इवन हिम, आई डोंट थिंक सो, ही दे लाइक हिम एज एन अंकल, एज अ चाचा, एज समबडी, एज अ फ्रेंड, दे डो नॉट नॉट देखो फादर जो होते हैं ना बड़ी एक इंपॉर्टेंट और बड़ी सेंसिटिव रिलेशनशिप होती है, एंड उनके बाप ने उनके लिए जैसे वो बच्ची याद कर रही होती है वो बड़े उससे याद करती है, सो आई डोंट थिंक इतनी जल्दी मे बी कुछ टाइम बाद। आई लाइक द फैक्ट शाजिया कि उस बच्ची ने फाइनली अपनी माँ को बताया कि उसको स्कूल में कैसे कैसे बुली कर रहे हैं, यू नो आई वाज होपिंग कि वो कुछ बोले, एंड आई वाज वेरी ग्लैड कि उसने बोला। ये मैंने आई हैड दिस डाउन ओनली बिकॉज़ ये जो रात का वक्त होता है ना, जब बच्ची जरा आराम होता है, मेंटली रिलैक्स्ड होती है, बहुत जरूरी होता है दैट पेरेंट्स मदर्स सिट डाउन एंड टॉक टू देयर चिल्ड्रन, ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जो हफ्तों से नहीं निकली, और बहुत सी जगह पे मुझे लगता है बहुत चीजें, देखो इधर तो बच्ची ने बोल दिया लेकिन उसने पहले ना चार दफा ये बोला कि हर कोई कह रहा है बाबा बोरे, हर कोई कह रहा है बाबा लूजर है, सो आई वॉज लाइक इफ शी डजेंट से द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, क्या मीरब इसको पिक कर सकेगी कि क्योंकि बच्ची ने तो इतनी बाहर के लोगों की बात नहीं सुनी, तो ये बच्ची कहीं से सुन रही है, सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप साइंस पिक करें, एंड खैर द ड्रामा इज शोइंग इंटरेस्टिंग थिंग, सो माई क्वेश्चन टू यू इज कि मीरब को अपनी ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए नहीं चाहिए, सॉरी मैं बड़ा ही मुझे शायद इस सवाल में बड़ी बैशिंग है कि मैं दो एपिसोड से ये सोच रही हूँ क्योंकि
आई नो वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो रही है, वो कोई बेहुदा कपड़े नहीं पहन रही, वो कोई बहुत ज़्यादा वेस्टर्न क्लोथिंग नहीं पहन रही, लेकिन उसके कपड़ों में एक फिनेस है, एक स्टाइल है जो उसको स्टैंड आउट करता है. डू यू फील कि ये चेंज दिखाना चाहिए था, नहीं दिखा रहे, क्या कुछ क्या रीज़न है इसके पीछे? ओके, तो मेरा जवाब इस पे एज यूजुअल हाँ और ना होगा. हाँ, आई थिंक शी कैन बी अ लिटिल केयरफुल बिकॉज शी इज स्टिकिंग आउट इन दैट मोहल्ला. उसका घर सबकी नजरों में आ रहा है, उसके बच्चे, वो खुद नजरों में आ रही है, तो जिस तरह उसने चादर लपेट के वो नीचे गई थी अपने बच्चे को रोकने के लिए, दीज आर थिंग्स शी कैन डू. हाउएवर, शी ऑफकोर्स अगर वो जा रही है जैसे वो अपनी फ्रेंड के साथ, साथ की बीबी के साथ गई थी, व्हाई शुड शी कम्प्लीटली चेंज हर ड्रेसिंग? आप एक चादर लपेट ली, चुपचाप निकल जाए, आपको चादर उतारनी है बाद में. तो थोड़ा सा बिकॉज बच्चे भी उसके वहीं घूम रहे हैं, तो शी शुड बी कमिंग टू दैट. आई ऑल्सो फील कि जो उन्होंने अपने बच्चे को रोका क्रिकेट खेलने से, भाई क्यों रोका? मोहल्ले में ही नहीं, सम हेल्दी इंटरेक्शन. अब वही बच्चों के साथ खेलेगा वही मोहल्ले में है. आप चाह रही है कि वो इंटीग्रेट हो, ये जरूर आपने सही बताया कि मुझसे पूछे बगैर नहीं, या टाइम बता दो बेटा 5 से 6 बजे तक तुम जा सकते हो नीचे खेलने के लिए और इसी एरिया में रहना. और आई कैन अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी प्रॉब्लम. But that she should change. So I don't completely agree with you on this because I feel कि अभी वो बड़ी नई नई गई है, उसको नहीं पता नीचे बच्चे किस किस्म के, उसको नहीं पता नीचे हालात किस किस्म के, वो किसी को जानती नहीं है. ऑनेस्टली मैं भी नहीं जाने दूंगी अपने बच्चों को अगर मैं उसकी जगह होती, क्योंकि आजकल का के हालात और माहौल बहुत डिफरेंट. अब देख लो ना, इसी में दिखाया कि वो बच्चे को किस नीयत से लेकर आया वो लड़का, वो जो उसकी मोहल्ले का बंदा है, हुज़ ट्राइंग के किसी तरीके से मीरब को वो फंसा ले. सो अब नीचे क्या हो रहा है, बच्चे किस तरह की बातें करें, एटलीस्ट माओ से मिल के कुछ अंदाज़ा करके, फिर या फिर वो नीचे बैठे और देखे कि उसका बच्चा इस वक्त खेल रहा है तो क्या हो रहा है. वो नीचे या बट शी इज़ अ सिंगल मदर, यू आर फॉरगेटिंग दैट शी डजंट हैव द लग्जरी एंड ऑफ द टाइम कि वो इतनी चीज़ें कर सके. सो I don't really agree with you. I think it was the right decision कि वो बच्चे को लेके गई. अब आगे कैसे handle करते हैं ये नहीं मुझे पता, but it's too soon to let everything go. और दूसरी बात ये कि बस मुझे इस बात पे कि जब मीरम ने उसको बोला कि नहीं आपके बेस्ट फ्रेंड सिर्फ 7 अंकल हैं, तो मुझे लगता है ये जुमला ज़रूर ऐड करना चाहिए था कि ये जो साहब हैं हम इनको नहीं जानते हैं. आप स्ट्रेंजर्स को एकदम से मिल के इतना फ्रेंडली नहीं हो सकते, उनके साथ इस तरह जा नहीं सकते. क्या अगर वो साथ वाली दुकान पे ले जाके, जैसे हमने बिखरे मोती में देखा है क्या हो रहा है, तो ये चीज़ आई फील ड्रामे में ज़रूर मीरब के थ्रू कम्युनिकेट करनी चाहिए थी. दैट इज़ वन थिंग आई फाउंड मिसिंग. यस, दैट वाज एक्चुअली शुरू से, व्हेन दैट बच्चा लेफ्ट, ही शुड नॉट हैव लेफ्ट विदाउट आस्किंग हिज मदर. तो वो बात तो बिल्कुल सही उसने करी. आई थिंक साद अंकल क्योंकि वैसे भी उनको इतने हेल्प कर रहे हैं, उनके दिमाग में आए. बट या अग्रीड. ओके जी, सो वी मूव ऑन टू मुश्क. मुझे वैसे इस वीकेंड पे ना तीनों एपिसोड्स, तीनों ड्रामों की बहुत ही खिंची हुई थी, बहुत ही स्लो चल रही थी, बहुत ही ड्रैग्ड वीकेंड था ये मेरे हिसाब से. बट मुश्क में जो है ना, आई हैव टू से डिस्पाइट बीइंग ड्रैग, अच्छा मुश्क की एक बड़े मज़े की बात है, मुश्क को ना एक तरफ ये है कि एक तरफ मुझे कभी कभी कहानी स्लो लगती है, लेकिन कहानी के सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो इतने मज़े के, और हर किसी की कहानी इतने मज़े की है कि जब जिस एपिसोड में जिसकी कहानी सुनाई जा रही होती है आपको मज़ा आता है. फॉर एग्जांपल लास्ट के एपिसोड में आदम वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, बट द स्टोरी वाज अबाउट ताई जी एंड हर डॉटर एंड महक एंड यू नो ऑल दैट एंड शायान कमिंग सेइंग कि मैं एग्री कर रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँगा. इस एपिसोड में ताई जी का कम रोल था, डॉक्टर साहब नहीं थे, यू नो, लेकिन और आदम की कहानी ज़्यादा थी. सो लेकिन दोनों एपिसोड्स का अपना मज़ा था. यू कांट से के सो आई एम लविंग दिस के सारे ट्रैक्स जो लिखे हैं इमरान अशरफ ने वो बहुत खूबसूरत और बड़े इंटरेस्टिंग लिखे हैं. एक मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था. दूसरा मुझे शाजिया, आपको आदम कैसे लग रहे हैं? आदम, ओवरऑल आदम की कहानी, आदम का मैनरिज्म, आदम का जो एक फिलोसॉफिकल एक मिस्टीरियस सा अंदाज है, वो आपको कैसा लग रहा है? मुझे आदम की ये बात बड़ी स्वीट लग रही है कि वो किसी को मना नहीं कर सकते. उन्होंने वहां भी हामी भर ली है, इधर भी. एंड ही सेड कि मेरा दिल बहुत नरम है. और पहले तो बेचारा सोच रहा था कि मतलब अपनी जिंदगी उल्टी कर दे कि एक साल के लिए गायब हो जाए. सो ही इज ट्राइंग टू अकोमोडेट एवरीवन एंड उनका जो लहजा है, तरीका है बात करने का, वो बिल्कुल मैच कर रहा है उनकी पर्सनैलिटी. मतलब बेचारा पिस गया है ना, आदम पिस गया है, दादा और महक के दरमियान पिस गया है. और पीपल आर यूजिंग हिम, दे आर इवन महक जो हमारे सामने तो बोल नहीं सकती, वो आदम के सामने तो फट-फट बोल रही होती है. एग्जैक्टली, शी इज ब्लैकमेलिंग. हां, शी इज बीइंग वेरी वेरी सेल्फिश हियर. शी इज नॉट थिंकिंग कि भाई आदम का क्या होगा, तुम एक
जिस तरह आप एक लड़की को बोलते हैं तो मेरे लिए ये कर दो, शादी कर लो या प्रिटेंड कर दो या जो बहुत से ड्रामों में होते हैं, उस तरह जब आप मर्द को बोल रहे हैं तो उसके भी तो एहसास आते हैं। आई थिंक महक को कुछ तो अंदाज़ा है कि आदम इसको थोड़ा बहुत पसंद करता है, या कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा आई थिंक महक को होना चाहिए। डू यू थिंक महक को पता है? महक उसको यूं करके पकड़ती है हाथ से, आदम ही उसका हाथ देखता है, बट महक को कोई मैंने भी ये बात नोट की थी ना। सो आई एम इन जस्ट लव विद, आई थिंक फाइनली इमरान अशरफ इज डूइंग अ कैरेक्टर जो भोला की भी शायद ओके नॉट भोला बट इट विल टेक हिम आउट ऑफ द शैडो ऑफ भोला, बिकॉज आई फील आदम is a character that I have started to fall in love with. मुझे इतना मज़ा आ रहा है उसको देख के, वो ओल्ड स्टाइल रोमांस एंड यू नो ओवरऑल जो उनका मैनरिज्म है, जो छोटी छोटी वो यू नो चीज़ें करते हैं, जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी है एंड वो सोच में जाता है, आई लव द होल कैरेक्टराइजेशन ऑफ आदम। He might be the new, you know, our go-to hero. Hero. Yeah. Hero. Yeah. But I also like his tamiz. You are right. Yes. His tamiz se wo baat karta hai. Yeah. But you know, that tamiz has its own charm also. That's what I feel, you know. Achha, lekin ye batayin ji ke Tai ji jo apni beti ko chakma de rahi hain, कि वो उसको उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं सिर्फ इससे दोस्ती, मतलब वो रोशनी जो उसकी बेटी है, रोशनी नाम है ना, वो कितनी बेवकूफ़ है। वो साकिब तुमसे कितने अरसे से मोहब्बत के वो कर रहा था, हाउ कुड यू नॉट टेल दैट योर मदर इज़ लाइंग एंड गलत बात कह रही है। साकिब तो बहुत क्लियरली यू नो तुम्हें पसंद करता था, कभी उसने दोस्ती की बात नहीं की। लेकिन तो गुड्डी को तो देखो, उन्होंने तो किया जो किया और वो बेवकूफ बन रही है रोशनी। गुड्डी ने क्या स्मार्टनेस करी, उससे कहा कि तुम रोशनी का फोन मत उठाना। हाँ हाँ हाँ, I really like it. मुझे बड़ा मजा आया गुड्डी को इस कैरेक्टर, गुड्डी का ये वाला देखिए। बट आपने डॉक्टर साहब को मिस किया या नहीं किया? I was waiting कि अब नेक्स्ट इनका क्या होगा एपिसोड, और हम जो इतना 2+2=4 कर रहे हैं, हाँ, बाकी वो 2+2=4 है या हम कहीं अपना दिमाग लड़ा रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं मुझे मुझे वाकई आई वॉज मिसिंग डॉक्टर साहब एंड जो ताई जी का की केमिस्ट्री थी, जो इंटरेक्शन था ना, आई वॉज मिसिंग वो दो पुरानी किस्तों, पिछली किस्तों से हम देखते आ रहे थे तो वो मज़े का आ रहा था। बट शायान साहब जो है, मतलब ओके दैट आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों ऐसी करते हैं, क्या मतलब शायान इतना बेवकूफ़ है कि उसका ख्याल था कि मुकद्दर उसको जाने देगा, ही विल स्टेप आउट एंड मुकद्दर उसको जाने देगा, क्या जरूरत थी इस सीन की, या क्यों शायान क्यों ऐसे कर रहा था? बिल्कुल, आई डोंट नो, आई थिंक डेस्परेशन में, बट थोड़ी तो अकल इस्तेमाल करे तो, हाँ, कुछ तो किसी गार्ड से दोस्तियां करे, हाँ, पहले देखे कि तरीका क्या बाहर, हाँ, निकलने का, कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, कुछ बेवकूफी का, यू नो ही हैज टू बी स्मार्ट, सो आई एग्री विद दैट। बट जो मुकद्दर ने भी, मामू ने भी उनको सुना दी, उन्होंने कहा फिर वापसी में, क्या माफी में भी जबरदस्ती है क्या? या, या. तो शाजिया, हमारे यूट्यूब पे जो टॉप 5 ड्रामा है उस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, उन्होंने पूछा था कि आप लोगों को लग रहा है कि मुश्क में कुछ डायलॉग्स जो लिखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेटेड साउंड करते हैं, या वो इस किस, मुझे अब एग्जैक्टली सॉरी आई शुड हैव रिटन द क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं, बट बेसिकली द लैंग्वेज दैट दे हैव यूज्ड इट्स नॉट वेरी सिंपल, यू नो उर्दू जो लैंग्वेज यूज़ किया। What would you say to this answer, this question? I think that it is it's not a period drama, but the culture and the area that they've shown is sort of period. जो tradition में लिपटे हुए हैं और वो सदियों से चला आ रहा है, and that's why, and also I think they've done it on purpose. उन्होंने जान के किया ये, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेकर जाएं, जिसमें वो ट्रेन रुकती है और ट्रेन स्टेशन पे लोग बैठते हैं, तो you see it as a work of art. And not just a chalta phirta drama. It's not Sabat. And it's not, I don't know, it's not even Prem Gali, which also actually has its own charm. Yeah. Yeah. So that's what I think. Yeah. ओके सो आई फील के मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और कल मैंने ये क्वेश्चन सुनने के बाद बहुत गौर से कल ड्रामा देखा और उसके डायलॉग सुने, सो आई फील्ड कि मे बी 1 or 2 डायलॉग्स वर लाइक दैट, बाकी तो बिल्कुल सिंपल था, उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस पे आप ये बात कहते। तो अगर पूरे ड्रामे में 4 डायलॉग या 3 डायलॉग या 2 डायलॉग्स ऐसे आ जाते हैं तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट इट्स वेरी मच नीडेड कि हम एक पुराना जो अपना चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, कि हम लैंग्वेज में भी शॉर्ट उस पर आ गए हैं, के कुछ कुछ होता है, ओ यू नो, अब मैं क्या नई जनरेशन की जो सारे वो एक्रोनिम्स होते हैं वो यूज़ करूँ,
वो सारी हुड्डी मिल जाती है ना, डिड यू गेट दैट फ्रेज प्लास्टिक की इज्जत, टाई अपनी प्लास्टिक की इज्जत, एग्जैक्टली दैट्स नॉट अ डेटेड फ्रेज, इट्स नॉट, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सो इट्स वेरी नाइस कि पूरा पूरे हर हर कैरेक्टर के डॉक्टर साहब भी वैसे बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरे साकिब भी ऐसे बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो ऐसे कुछ कुछ जुमले बोलते हैं, आई थिंक इट्स वेरी नाइस एंड इट्स मच नीडेड फॉर एवरी वन ऑफ अस टू विजिट बैक, यू नो, आर विजिट बैक उर्दू इन इट्स इन अनदर ट्रू फॉर्म, यू नो. एंड इसका मेरा ख्याल है कि पीरियड और नॉन पीरियड होने की जरूरत नहीं है, वही चीज़ होती है कि कोई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस करानी है, रिमाइंड कराना है, तो आप छोटी छोटी डोजेज में दें और वो स्टैंड आउट भी करती है. सो दैट्स दैट्स आवर व्यू ऑन दिस. जी, शुड वी मूव ऑन टू सबात और यू हैव समथिंग एल्स ऑन मुश्क? वी कैन मूव ऑन. सिर्फ मुझे क्यूट सी बात वो छोटू की लगती है जो वो पीछे पीछे महक के घूमते, सीम्स लाइक महक इज लाइक हिज लिटिल क्रश दैट ही हैज, कि नहीं मैंने उनको बोल दिया था कि आप कमरे में हैं, यू नो, लाइक ही इज लुकिंग आउट फॉर हर, ही इज प्रोटेक्टिव, जस्ट अ वेरी क्यूट रिलेशनशिप. महक को खैर कुछ होश नहीं है, वो आदम को भी वहां यूज कर रही है, छोटू को भी इधर यूज कर रही है, छोटू ही कहते हैं ना उसको. हाँ, छोटू कहते हैं उसको. अच्छा, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैं भूल गई मैंने. हाँ, मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि मुकद्दर ने उसको क्यों रखा हुआ है दूसरे कैदी को जिंदा, वो तो खैर बेचारे कैदी की डेथ हो गई इस वाले में, वो भी बड़ा अच्छा उनका एग्जिट दिखाया, आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट के देव डन इट वेल, लेकिन वो उसने, मैं ये वंडर करी थी अगर वो नहीं मरता तो उसने उसको अब तक जिंदा क्यों रखा हुआ था मुकद्दर ने, क्योंकि मतलब किसी इंसान को खाना खिलाना जिंदा रखना इट्स एन एडेड एक्सपेंस, यू नो, और मुकद्दर को ऐसे नरम दिल तो है नहीं, उन्होंने एक गार्ड को ऐसे ही मार दिया था क्योंकि शायान उसकी अंडे से भाग गया था, तो ये मुझे मिस्ट्री मुझे सॉल्व करनी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा क्योंकि अब तो आई थिंक ही वांटेड टू टॉर्चर हिम, मुकद्दर इज अ वेरी हार्ड मैन, ही वांटेड टू कीप टॉर्चरिंग हिम कि उमर कैद उसको रखे एंड ही शुड लिव एंड ही शुड लिव लाइक दिस एट व्हाट एट दैट एक्सपेंस ऑफ दिस स्ट्रेस के कोई भाग सकता है उसको खाना पिलाना है किसान, आई थिंक देयर मस्ट बी मोर मिस्ट्री टू इट, इसमें कुछ और होगा इससे ज्यादा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू सबात. जी, मेरा सबसे पहला सवाल, डू यू थिंक वाकई क्या मिराल को थेरेपी की जरूरत है या मिराल इज अ सिंपल विलन जिसको हम अभी तक मिसरीड करते आए? मिराल इज अ सिंपल विलन जो सारी उनको साइकाइट्रिस्ट को थेरेपिस्ट को सबको जो है ना मात दे देगी और उनका एंड वही होगा जो हम सफर में उनकी सास का हुआ था. हम सफर में उनकी सास का हुआ था. हाँ, ये मैं सोचूं कि वाकई आई वाज वंडरिंग यस्टरडे कि मिराल का होगा क्या, क्योंकि अब तो हर चीज़ के बियॉन्ड हो गया ना, क्योंकि एक तो उसके कोई इमोशन ज़्यादा नहीं होते, ऐसे इंसानों को क्या आप ट्रीट कर सकते हैं, उसके बाद वो जो सैडिस्टिक बातें कर रही थी कि मैं इसको जला के उसको तड़पाऊंगी और फिर वो हंस रही थी, मुझे मजा आएगा, शी सेड इट, यू नो, बट एट द एंड ऑफ इट उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जब वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी, एट दैट टाइम उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन थे जिसपे दुख भी था, सो मुझे समझ नहीं कि भाई तुम्हें किस चीज़ का दुख है, चीटिंग का दुख है, बट तुम अपने एक्शन भूल रही हो, सो मिराल इज लाइक आई फील के शी इज जस्ट अ विलन. कल मैंने ये अपने दिमाग में बना लिया था कि इसको थेरेपी वेरेपी की जरूरत नहीं है. कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, वो एज अ विलन प्ले करते हैं ना ड्रामा, शी इज अ विलन जिसको हम अब तक सिंपथी देते आए थे थिंकिंग कि शायद इस बेचारी को कोई थेरेपी या कोई सेशन ठीक कर दे, बट आई थिंक मिराल ठीक नहीं हो सकती. नहीं, वो ठीक नहीं हो सकती और मुझे तो उनकी दोस्त के ऊपर हैरानगी है कि दोस्त को नजर नहीं आ रहा कि ये क्या चीज पाल रही है. हां, एंड शी शुड जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट फ्रेंडशिप राइटली बिकॉज़ मिराल इज टॉक्सिक. या एंड आई आल्सो फील कि वो जो दोस्त को बोला, वो जो बंदा वापस आया उसको एक्स मंगेतर, अरे भाई तुम अगर वापस आ गए थे तो तुमने मिराल को कॉल क्यों नहीं किया आगे, तुम किधर फिर रहते हो? तो मिराल ने पकड़ लिया जो वो कहता है कि नहीं मैं तो वापस आ, जैसी मिराल ठीक होगी मैं उस वापस आता और इसे शादी कर लेता. तो तुम इतने दिन से आए पड़े थे, क्या तुम उसी वक्त लैंड करके बाजार में आए थे? अगर ये बात थी तो तुमने कॉल क्यों नहीं की? या और अपनी अम्मा के सामने बैठी कह रही कि मैं उसकी डिवोर्स करा के उससे शादी कर लूंगा और अम्मा को कुछ पता ही नहीं, मतलब डिस्कस ही नहीं किया है, बैठ के ऐसी सोच रहे. ये बड़ी बेवकूफी की चीजें हैं एक्चुअली. देयर शुड हैव बीन सम बैक स्टोरी, सम एग्जीक्यूशन. Do you really think that Anaya should stop working? No, I don't think Anaya should stop working. इस वक्त अनाया बहुत गुस्से में है एक्चुअली. अनाया बस इस वक्त ना अनकॉन्शियसली रिवेंज लेना चाह रही है, हसन को सजा देना चाह रही है फॉर वॉट हसन हैज़ डन टू हर. यू नो वो जो बिट्रेयल होती है ना, उसमें आपको जब दुख में होते हैं, ये वो अनाया का रिएक्शन है टू ऑल एवरीथिंग हैज़ हैपेंड. और उसमें वो ना ये सोचिए कि उसके करियर का क्या होगा, ना ये सोचिए कि उसको फाइनेंशियली कितना यू नो हिट होगी, और बस वो जॉब नहीं करना चाह रही कि किसी भी तरीके से हसन को ये ना पता चल सके कि उसका बच्चा होने वाला है. बिल्कुल. I really have to say that Anaya की जो अम्मी का रोल है वो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया है. She has been very strong the way she, her character
supporting her daughter and at the same time wo ki jo तो ठीक है, मतलब अम्मी ने समझा दिया कि तुम जाओ माफी मांग लो, देर हो गई है, लेकिन अभी तक अम्मी को एक्चुअली पता है व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड हसन सी, मतलब इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई. व्हाई इज हसन सो यू नो इतना स्ट्रांग के नहीं. एग्जैक्टली, मुझे भी ये समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये दिखाना चाहिए था कि माँ उससे पूछे कि एग्जैक्टली तुम्हें किस तरह कंफर्म है, तुम किस बेसिस पे इतने उससे कह रहे हो, और माँ शुड इन्वेस्टिगेट. बेटा भी तो एक बात कह रहा है, अगर वो इतने उससे कह रहे हो तो आप मालूम तो करें कि भाई क्या रीज़न है. तो मुझे ये एक लूप होल लगा जो मुझे लगा यहाँ इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे, क्योंकि अभी भी तो आप खींच ही रहे हैं ना, आप अभी भी तो खींच रहे, तो आप दिखा सकते थे कि हसन माँ को बताता है कि ये, तो माँ उससे कोई वीडियो पर बोल रही है कि बेटा तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम पूछो तो सही जाके, अनाया से क्वेश्चन तो करो, यू नो कुछ भी करके थोड़ा. एंड आल्सो यू नो अनाया हैड कॉल्ड हिम बिफोर शी वेंट टू द डॉक्टर, शी कॉल्ड हिम फ्रॉम हर बॉसेस फोन, वो भी ये कनेक्शन उन्होंने खाली कर दिया है कि हसन ने वापस क्यों नहीं कॉल बैक किया. वो तो सब उसने अननोन नंबर है तो आप नहीं कॉल करते, चलो ये भी ठीक है. दूसरा मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा जो अगेन लूप होल के, भाई आप लोग स्टूडेंट्स, एज स्टूडेंट्स आप कितनी बड़ी क्लास थी, आप कितने म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, मतलब आतिफ को पता चल गया है कि अनाया के फादर की डेथ हो गई है, तो हाउ कम नोबडी हैज मेंशनड इट टू हसन, मतलब उन तीन दोस्तों और आतिफ के अलावा भी तो क्लास में लोग थे ना, दुनिया में लोग हैं जो आपके बड़े म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे जिन सबको पता है, उनमें से किसी ने, मतलब अगर मियाँ बीवी का होता है एक एक के किसी पेरेंट को या कुछ और दूसरे को, तो आप जनरली दोनों को कंडोलेंसेस के मैसेजेस भेजते हैं. तो आई फाउंड दिस टू बी वेरी स्ट्रेंज कि हसन को बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि क्या हुआ है, या तो फिर दिखाते कि वो डिप्रेशन में चला गया, वो हॉस्पिटल में या कुछ है, तो ये भी एक मुझे बड़ी मिसिंग और बड़ी इरिटेटिंग चीज़ लगी, क्योंकि आई रियली होप कि ये एपिसोड इतनी ड्रैग नहीं हो और इसमें कुछ एक्शन हो जाएगा, एटलीस्ट हसन को कुछ ना कुछ पता चल जाए. You know, वो या फिर कनेक्शन ऐसे दिखाते, you are right कि भाई उसने सारे अपने common friends के numbers block कर दिए, ऐसे जैसे, भी करते हैं. नहीं, जैसे अनाया का दिखाया था कि अनाया ने फोन बंद कर दिया जब अनाया आई, exactly, वो दो दिन बाद फोन निकालती है, फिर ठक 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 सारे मैसेजेस उसको आ रहे हैं, you know, फिर वो ऑफिस फोन करती है, तो आप भी यही दिखाते कि उसका फोन उसने कर दिया, whatever, you know. So, राबिया मुझे ये बताया कि ये वाला जो पॉइंट था, जो बैंक वाले जो लोग आए थे उनके घर पे, what did you think of that, जो उन्होंने पिन नंबर और क्रेडिट कार्ड का नंबर और चेकबुक दे दी. सो पहले तो वो मिस्ट्री हल हो गई, क्योंकि वो टीजर में जो उन्होंने पिछली दफ़ा दिखाया था, तो वी आई वॉज लाइक कि कैसे होगा ये एक मिस्ट्री हल हो गई. सो आई फील कि कभी कभी लोग जो बहुत ज़्यादा शेल्टर्ड और प्रोटेक्टेड होते हैं, या माएँ कभी कभी जो हमसे हमारी जनरेशन से भी पुरानी माएँ थी, वो लोग कभी कभी ऐसी चीज़ें कर देती हैं, यू नो. बट मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये ट्विस्ट डाला, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि अच्छा इसने ये कर दिया है, अब आगे क्या होगा. तो ड्रैग करने के लिए जो एंगल डाला है, मुझे एंगल इतना बुरा नहीं लगा, मैंने इस चीज़ को इस तरीके से देखा है, यू नो. I also like the way Anaya reacted कि उसने डांटा नहीं अपनी अम्मी को कि आपने क्यों कर दिया, कैसे ऐसे भी करती है माँ. Because I also do it sometimes and I felt really bad when I saw it. And I think if I said कि कितना अच्छा reaction था. मैं actually Anaya की जगह होती तो शायद मैं उससे मैं बोल देती कि मतलब how could you give, because मैं दिमाग में भी ये जब वो हो रहा था, I was like how can you give ATM pin, you know, आप कैसे दे सकती हैं. So I really like that कि Anaya का उन्होंने. And also that dialogue of Anaya जो अपनी अम्मी से बाद में कहती है, मैंने सिर्फ सुना था कि लोग इतनी मजबूरी में और इतनी sadness trauma के through गुजरते हैं and और लोग उनका फायदा उठाते हैं, but that's what those bank people did. And I really liked उसकी माँ ने बोला कि आजमाइश में छुपी हिकमत को अल्लाह ही बेहतर जानता है, you know. So वही बात है, सबात कहीं कहीं बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बोल जाता है, बट ओवरऑल फिर कुछ ऐसी चीज़ें करता है दैट वी आर लाइक यार ये क्या हो रहा है, यू नो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दैट्स ऑल शाज़िया. Yeah, I think we are done. We are now waiting for the next step. कि हसन को कब पता चलेगा अनाया आगे क्या करेगी. I was really hoping कि वो मीटिंग होगी जिसमें हसन उसके बॉस को मिलेगा और बॉस उसको मुबारकबाद दे देगा, बिकॉज राइट नाउ बॉस इज द ओनली वे हसन कैन फाइंड आउट दैट अनाया इज प्रेग्नेंट, यू नो. एंड आई आल्सो वांट टू सी आतिफ के साथ क्या होगा. आई रियली वांट हिम टू गेट अ लाइफ लेसन. या आतिफ एंड मिराल बोथ के क्या होता है. मिराल का आई हैव सॉर्ट ऑफ गिवन अप. मिराल हैज लाइक टू नो, बट आई वांट टू सी कि ऐसे लोगों का क्या हशर कराते हैं राइटर साहब. सो लेट्स सी. ओके जी, तो आप बताइए कि रिहाना ने क्या किया है जो सब लोग इतने गुस्से में हैं और ट्विटर जो है वो उसको चैन नहीं आ रहा.
तो बात ये थी राबिया कि रिहाना जो हमारी फेमस सिंगर है एंड सेलिब्रिटी है, उन्होंने एक फैशन शो किया. फैशन शो वाज अ फैशन शूट ऑन लॉन्जरी एंड इट वाज अ सैवेज फेंटी समथिंग फैशन शो. और उसके अंदर उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्ट में एक सॉन्ग यूज किया, जो सॉन्ग में एक्चुअली प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस यूज करी गई. दिस वाज इट. सो फर्स्ट आई विल लेट दैट सिंक इन. लॉन्जरी फैशन शो हदीस यूज बाय प्रॉफिट मोहम्मद. If you look at the video itself, it has disturbed a lot of people, Muslims and non-Muslims alike. कि Rihanna ने ऐसा क्यों किया? So I will just give you a short background on it, and then you tell me what you think. ये fashion show हुआ अभी recently. This song was actually a song जो 2-3 साल पुराना था. इसका उन्होंने एक I think एक या दो sentences use करी हैं जो आपको actually समझ नहीं आते अगर आप बार-बार सुने. आप ट्विटर पे जाएंगे तो ओरिजिनल हदीस दी गई है कि ये है हदीस अरबिक में और ये यूज करी गई है. रिहाना हैज अपेरेंटली 2-3 साल पहले शी वाज इन अबू धाबी वेयर शी वाज डूइंग हिजाब इन फ्रंट ऑफ अ मॉस्क एंड वहां उनको मना किया गया था कि यू हैव टू स्टॉप दिस फैशन शो. सो पीपल आर सेइंग कि दिस इज नॉट समथिंग न्यू, शी हैज डन दीस थिंग्स बिफोर, शी हैज बीन स्टॉप्ड बिफोर. अच्छा द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इट्स नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट जूस एंड हिंदूज हैव आल्सो ट्वीटेड एंड सेड कि अगर ये हमारे रिलीजन के साथ होता तो हमें भी बुरा लगता. लेकिन देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग हर आल्सो एंड हु आर सेइंग कि रिहाना ने जो किया या तो शी वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट शी वाज डूइंग या रहने दे शी डिड नॉट मीन टू रियली हर्ट मुस्लिम sentiments and of course उससे भी आगे लोग ज्यादा भड़क गए हैं Rihanna के defense में. So ये दो sides हैं that are there. Rihanna herself has not till right now, अगर अभी कोई statement दिया हो मुझे नहीं पता, अभी तक कोई statement नहीं दिया. Yeah, yeah. So till the time this video is being shot, Rihanna ने कोई publicly statement नहीं दिया है to clarify, to apologize or anything. कोई comment उनकी या उनकी team की तरफ से नहीं आया है इस वक्त तक. अब अगर बाद में आ जाए तो मैं पहले से clear कर रही हूँ कि हमारी video shoot होने तक नहीं आया था. So शाजिया, I just feel I don't know why people do these things. Like अगर आप किसी culture की कोई चीज़ उठा रहे हैं, मतलब कहीं से भी चले, आई एग्री, मुझे समझ आ रही है कि आपने अरबी सुनी उस गाने में कहीं आपको, बिकॉज मैंने वो जाके ना क्लिप सुना है, ठीक है, ऑडियो क्लिप सुना है एंड एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो. लेकिन जब आप 3 दफ़ा सुनते हैं तो आप पढ़ सकते हैं अताना, मतलब आई मुशरिकीन, मुझे दीज वर्ड्स आई पिक्ड अप. दूसरा उस गाना, जिस गाने में ओरिजिनली ये यूज़ हुआ है, द नेम ऑफ द सॉन्ग इज़ डूम, विच इज़ आखिरी दिन, आखिरत से रिलेटेड. तो यू नो लाइक मैंने ये भी ट्वीट देखी कि लोग कह रहे थे कि तुम्हें गाने के नाम से नहीं समझ आ रही थी कि वॉट इट मीन्स, यू नो, कि तुम इफ़ यू प्रिटेंड टू से कि मुझे ये नहीं पता, वो हदीस भी आखिरत के बारे में ही है और आखिरत के जजमेंट डे के बारे में है. सो ये मेरा मुझे बस ये क्वेश्चन होता है कि वाई डू एनीबडी डज एनी थिंग जो किसी भी कौम, इंसान या किसी भी रिलीजन या फिरके को हर्ट करे. About this a lot, and मुझे इसमें एक पहलू ये भी था. मैंने ये सोचा कि जैसे जैसे इस्लाम स्प्रेड हो रहा है और जैसे जैसे लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का दिल चाह रहा है, इवन नॉन मुस्लिम्स लाइक दे, अगर यू नो इफ यू आर अवेयर, तो बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज में पीपल आर इनरोलिंग इन कोर्सेज टू फाइंड आउट अबाउट इस्लाम, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग. नाउ ये किस्म की चीजें होती रहेंगी. सो माई क्वेश्चन इज, एज इस्लामिक स्कॉलर्स, एज उलेमा, Does our community have some sort of responsibility कि जिस तरह हम किताबों में से और उसमें से हम lyrics नहीं उठाते हैं, हम phrases नहीं उठाते हैं, copyright issue होता है, उस तरह should we not have a proper body जिसमें कहा जाए कि अगर आपको कोई चीज़ use करनी है from the Quran or the Hadith, you should take proper permission from an institution and that should be accepted. So there is a way to do things because we are protecting the word of God. That's what we are saying. And this is a way of protecting it. So mera iske mein personally, meri itni please knowledge nahi hai. So agar main kuch galat keh rahi hu, toh I'm sorry about that. But this is, we have to move forward. ये तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन जिसपे देखा जाना चाहिए. जब मतलब जब आप दुनिया में आगे जा रहे होते हैं तो फिर आपको दुनिया के रूल्स के मुताबिक ही गेम खेलनी है ना. यू कॉन्ट प्रिटेंड अपने सर पे दुपट्टा डाल के कि जी मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा. नहीं, यू गो आउट, यू फेस द वर्ल्ड एंड आप उनकी गेम खेल के उनको उसी गेम पे हराते हैं. आप यू लर्न विद द वर्ल्ड एंड इफ इट रिक्वायर्स
कि ये हो कि आपका दीन और आपके दीन से रिलेटेड चीज़ें प्रोटेक्टेड हो, तो वाई नॉट. और हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ होता रहता है. यू आर राइट, हर कुछ महीने बाद कोई कुछ ना इस्लाम से रिलेटेड. और फिर मुसलमान जब रिएक्ट करते हैं तो फिर ये बोला जाता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, यू नो. एटलीस्ट कोई ना कोई स्टेटमेंट इस वक्त रिहाना से या रिहाना से, एक तो मैं नाम सही नहीं प्रोनाउंस कर रही हूँ, या उसकी टीम की तरफ से आ जानी चाहिए थी रियली इन ट्रू सेंस. बट मे बी शी थिंक्स कि वो बहुत बड़े हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Musliman or not? No, I think she will. I think she will respond. Okay. She will, because there are a lot of, she has a lot of Muslim fans, or did have before this happened. सो जी ये आज का हमारा ड्रामा कप था. आई होप यू इन्जॉयड इट. कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. वर यू अवेयर ऑफ दिस रिहाना कॉन्ट्रोवर्सी दैट हैज स्टार्टेड? और सबाद मुश्क और लोग क्या कहेंगे में से आपका फेवरेट ड्रामा इस हफ्ते कौन सा था? खुदा हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा एंड बेल आइकॉन पे टिंग प्रेस करना ना भूलिएगा. सब्सक्राइब टू फ्यूशिया एंड कीप ऑन वॉचिंग. खुदा हाफिज़.